जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा विभिन्न वर्षों में समाजशास्त्र विषय के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 2009 से लेकर 2022 तक जिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा गया है और बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा जो ऑप्शन दिया गया, तो उस ऑप्शन के अनुसार जो सही ऑप्शन होगा उसी को सिलेक्ट करके हमने उत्तर को तैयार किया है। तो आइए प्रश्न करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? मानव का समाज जो जीव मतलब सब अन्य जीव किस आधार पर भिन्न है, अलग है? उत्तर होगा संस्कृति के आधार पर। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? उत्तर होगा जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? किसने कहा समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? उत्तर होगा मैकाइवर। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। किसने कहा? उत्तर होगा बोगार्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान समाज शास्त्र के स्वरूप स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? मतलब समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? उत्तर मिशेल। फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांस में समाज शास्त्र का नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर होगा अगस्त कामटे को। अगस्त कामटे को। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन की नींव किस शताब्दी में प्रारंभ हुई? या अंग्रेजी शासन किस शताब्दी में प्रारंभ हुई? उत्तर होगा 16वीं शताब्दी। कब हुई? 16वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? उत्तर होगा अर्थशास्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? उत्तर होगा नगरीय। किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? किसने कहा सामाजिक परिवर्तन संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? उत्तर मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज। अगला है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखा? सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखा? उत्तर होगा अकबरन। सोशियम शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियम शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर होगा लैटिन। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज नामक संस्था कहाँ है? उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धी निम्न में किससे जुड़ा है? या प्रतिस्पर्धी का जुड़ाव किससे है? उत्तर होगा संघर्ष से। मतलब प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में क्या होता है? उत्तर क्या होगा? संघर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक अगस्त कामटे किस देश के निवासी थे? समाज शास्त्र के जनक अगस्त कामटे किस देश के निवासी थे? उत्तर होगा फ्रांस के। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया?
भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया, मतलब भारत के समाज पर अंग्रेजों के शासन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव यह पड़ा कि राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, उसके शोषणपूर्ण नीति के कारण एकता का भावना आई। दूसरा, नवीन वर्ग मतलब शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, उत्तर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्ग में विभाजित था, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्ग में विभाजित था, उत्तर क्या होगा, चार, उत्तर क्या होगा, चार। अगला है, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, उत्तर क्षेत्रीय तनाव, मतलब लोगों में आपसी सामंजस्य की भावना नहीं थी, इस कारण से अंग्रेजों ने शासन भारत पर किया। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास को कितने काल में बांटा गया है, भारतीय समाज के इतिहास को कितने काल है, उत्तर होगा तीन, जिसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहते हैं। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है, उत्तर होगा बर्थ नामक विद्वान ने कहा था। किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उत्तर क्या होगा, रिजले, उत्तर क्या होगा, रिजले। नेक्स्ट है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज, कौन है, मैकाइवर एवं पेज। किसने सीमांत मानव की अवधारणा प्रस्तुत किया, किसने सीमांत मानव की अवधारणा प्रस्तुत किया, उत्तर होगा जॉनसन, क्या होगा, जॉनसन। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उत्तर होगा गांव का सर्वांगीण विकास, गांव का क्या होगा, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, एक सब छूट गया है, ग्रामीण, ग्रामीण नगरीकरण समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, ग्रामीण नगरीकरण मतलब गांव और शहर, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि गांव तथा शहर को किस आधार पर बांटा गया है, उत्तर होगा व्यवसाय के आधार पर, किस आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो साधारण बोलचाल की भाषा में राष्ट्र के प्रति लगाव होगा, राष्ट्र के प्रति लगाव राष्ट्रवाद कहलाता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार है निश्चित क्षेत्र में लड़ने वाले लोगों की समान सोच, मतलब इसका मतलब ही होगा राष्ट्र के प्रति लगाव। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की बुनियादी आधार क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, उत्तर होगा जाति। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, उत्तर होगा साम्राज्यवाद। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के जनक कौन है, समाज शास्त्र के जनक कौन है, उत्तर अगस्त कामटे, कौन है, अगस्त कामटे। भारत के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई, भारत के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू की गई, उत्तर होगा मुंबई विश्वविद्यालय, क्या होगा, मुंबई विश्वविद्यालय। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, उत्तर होगा 1942। समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, उत्तर होगा लैटिन और ग्रीक भाषा। नेक्स्ट है, सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा,
सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? उत्तर होगा मेडलबम। क्या होगा? मेडलबम। भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर होगा अनेकता में एकता। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है? मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है? उत्तर होगा गांव से। कहां से? गांव से। किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? उत्तर होगा मैक्स वेबर। क्या होगा? मैक्स वेबर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का रूप है, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या रूप क्या है? तो जाति, धर्म और वर्ग। नेक्स्ट है, सोशल चेंज शब्दावली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सोशल चेंज शब्दावली शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। कौन होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर होगा एससी डुबे। कौन थे? एससी डुबे। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा डब्ल्यू एस थॉम्पसन। इन्होंने 1929 में दिया था और इसे परिवर्तन किया था नोटेस्टीन ने 1945 में। नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? उत्तर होगा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या एवं कार्य की प्रकृति। अगला है, भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन है? मतलब किस धर्म के लोग भारत में सबसे कम रहते हैं? उत्तर होगा जैन। भारत में उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? भारत में उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? उत्तर शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, गर्म जलवायु। भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है? मतलब भारत के किस राज्य में शिक्षा का स्तर सबसे कम है? उत्तर होगा बिहार में। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? मतलब जनसंख्या ज्यादा होने का रीजन है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? उत्तर होगा 2000 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में और नियमित यदि पूछेगा तो 1881 में। अल्पसंख्यक कैसी संकल्पना है? अल्पसंख्यक कैसी संकल्पना है? तो राजनैतिक, लैंगिक, राजनीतिक और लैंगिक विषमता का मेन है राजनैतिक। अल्पसंख्यक ऐसी संकल्पना है तो राजनीतिक संकल्पना है। अगला है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? उत्तर होगा अमर्त्य सेन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर होगा डेमोग्राफी। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? उत्तर होगा 1952 में। भारतीय समाज का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? उत्तर होगा लगभग 4000 वर्ष। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? उत्तर होगा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में।
भारत में किस आधार पर वर्ण विभाजन किया गया है, भारत में किस आधार पर वर्ण विभाजन किया गया है? उत्तर जन्म के आधार पर। क्या होगा? जन्म के आधार पर। वर्तमान समय में भारत में लड़के और लड़की के विवाह का उम्र क्या है? वर्तमान समय में भारत में लड़का और लड़की के विवाह का उम्र, तो लड़का का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष। मुस्लिम विवाह में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? मुस्लिम विवाह में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? उत्तर होगा मेहर। बाल विवाह की अवधारणा किसने दिया? बाल विवाह की अवधारणा किसने दिया? उत्तर होगा मैकलेनन। क्या होगा? मैकलेनन ने दिया था। सहकष्टी क्या है? सहकष्टी क्या है? उत्तर होगा नातेदारी की एक विधि। क्या होगा? नातेदारी की एक विधि। रक्त आधारित नातेदारी को क्या कहते हैं? प्रश्न है, रक्त आधारित नातेदारी को क्या कहते हैं? उत्तर समरक्तता नातेदारी। समरक्तता नातेदारी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? उत्तर होगा 1856 में। भारत में तलाक का कारण क्या है? भारत में तलाक का कारण क्या है? उत्तर होगा क्रूरता, संतान न होना और यौनिक दोष। हिंदुओं में विवाह का है क्या है, मतलब हिंदू धर्म में विवाह क्या है? उत्तर होगा संस्कार। उत्तर क्या है? संस्कार। मुस्लिम विवाह कैसा विवाह है? उत्तर होगा समझौता। मुस्लिम विवाह कैसा विवाह है? तो समझौता है। एक मुसलमान पुरुष पर एक साथ कितनी स्त्री से विवाह कर सकता है? एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्री से विवाह कर सकता है? उत्तर होगा 4। किसने कहा जाति एक गतिशील वर्ग है? किसने कहा जाति एक गतिशील वर्ग है? उत्तर होगा मजुमदार। किसने कहा? मजुमदार। कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति लोगों के संदर्भ में अपने प्रथाओं का परिवर्तन करते हैं? कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं का परिवर्तन करते हैं? उत्तर होगा संस्कृतिकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है? उत्तर होगा संयुक्त परिवार। क्या होगा? संयुक्त परिवार। भारत के शहरी क्षेत्र में किस आधार, किस प्रकार का परिवार देखने को मिलता है? भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार का परिवार देखने को मिलता है? तो शहरी क्षेत्र में एकल परिवार देखने को मिलता है। लेविरेट क्या है? लेविरेट क्या है? तो देवर के साथ विवाह करना लेविरेट कहलाता है। देवर के साथ विवाह करना लेविरेट कहलाता है। एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए कौन से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त विधि को क्या कहते हैं? विवाह कहते हैं। मतलब इस शब्द में कहना चाहता है कि विवाह का उद्देश्य क्या है? संतान उत्पन्न करना। वर्णात्मक बंधुता में किसे नातीदारी के साथ प्रयोग किया जाता है? वर्णात्मक बंधुता में किसे नातेदारी के साथ प्रयोग किया जाता है? वर्णात्मक बंधुता में नातेदारी के साथ चाचा को प्रयोग किया जाता है। अगला है, जीएस धुरिए द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है? मतलब जीएस धुरिए ने जाति के कितनी विशेषता बताई है? उत्तर होगा 7। अंतः समूह एवं बाह्य समूह का विभाजन किसने किया? अंतः समूह एवं बाह्य समूह का विभाजन किसने किया? उत्तर होगा शमनर। प्राथमिक और द्वितीयक समूह का विचार किसने दिया? प्राथमिक और द्वितीयक समूह का विचार किसने दिया? उत्तर होगा कूले। सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया? उत्तर होगा शमनर, WG शमनर या सीधा शमनर दे सकते हैं। कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता क्या नहीं है? उत्तर होगा गतिशीलता। प्रदत्त और अर्जित रूप में परिस्थिति का क्या वर्गीकरण किसने किया? प्रदत्त और अर्जित के रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? उत्तर होगा लीटन ने। अगला, विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यौन इच्छा की पूर्ति करना,
बच्चों का पालन पोषण करना और आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? उत्तर, सामाजिक समस्या में वृद्धि। जातिवाद के कारण क्या हुआ है? सामाजिक समस्या बढ़ी है। जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? तो जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की, आपको बता दें यहां पर 7 विधियां हैं। जनजातीय समाज में कितनी विधि हैं? 7। और भारतीय समाज में, हिंदू समाज में 8 विधि हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में अस्थाई विवाह कौन सा, मुसलमानों में कौन सा विवाह अस्थाई है? उत्तर होगा मुताह, यह अस्थाई टेम्पररी विवाह है। असुर विवाह का प्रकार है, असुर विवाह का प्रकार है हिंदुओं में, मतलब हिंदू धर्म में 8 विवाह है, उसमें एक असुर विवाह भी है। अंतरजातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? अंतरजातीय विवाह किस समाज की, आधुनिक समाज की विशेषता है, क्योंकि बहुत ऐसे देखने को मिलता है एक जाति के पुरुष दूसरे जाति के स्त्री से विवाह कर रहे हैं। किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? 3 तलाक कानून कब बना? 2019 में बना। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के हैं? उत्तर होगा 2। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के हैं? उत्तर क्या होगा? 2। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के होते। अगला है, मुसलमानों के विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मतलब मुसलमानों में तलाक कितने प्रकार से हो सकता है? तो 6 प्रकार से। हिंदू समाज में कितने आश्रम की चर्चा है? हिंदू समाज में कितने आश्रम की चर्चा है? उत्तर होगा 4। मौसी नातेदारी के किस श्रेणी में आता है? मौसी नातेदारी के किस श्रेणी में आता है? उत्तर होगा 2। हिंदू विवाह के किस रूप में 1 जोड़ा बैल और 1 जोड़ा गाय की मांग की जाती है? विवाह के किस रूप में 1 जोड़ा बैल और 1 जोड़ा गाय दिया जाता है? उत्तर होगा आर्ष विवाह। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंध को नियमित करता है? उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंध को नियमित करता है? उत्तर होगा नातेदारी। भारतीय संयुक्त परिवार में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? भारतीय संयुक्त परिवार में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? उत्तर होगा 3 या उससे अधिक पीढ़ी का एक साथ रहना। संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा पर खाना पकाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं, समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। यह परिभाषा किसने दिया? M.N. श्रीनिवासन ने दिया था। अगला प्रश्न है, जनजाति धर्म का स्वरूप कैसा होता है? जनजाति धर्म का स्वरूप कैसा होता है? उत्तर टोटमवाद। परीक्षा विवाह किस जनजाति में है? परीक्षा विवाह किस जनजाति में है? तो परीक्षा विवाह संथाल जनजाति में। अगला है, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा में है? भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति का मतलब हो गया ST, मतलब आदिवासी, धारा 335। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? उत्तर, संयुक्त परिवार, जाति प्रथा तथा धर्म। संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और धर्म। हिंदू में विवाह क्या है, मतलब हिंदू धर्म में विवाह क्या है? उत्तर होगा संस्था। और आज का लास्ट प्रश्न है, किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं? उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तो ये रहा समाजशास्त्र, अंग्रेजी में कहते सोशियोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को बिहार इंटरमीडिएट के द्वारा 2009 से लेकर 2022 तक पूछा गया है। इससे बाद के प्रश्नों के बारे में चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। धन्यवाद।